नमस्कार, कर्नल बैसला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का निधन होने पर शुक्रवार देर शाम को कस्बा स्थित पीर संजयनाथ आसन पर मंदिर महंत विवेकनाथ महाराज के सानिध्य में गुजर समाज के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वाल क्षेत्र गुजर समाज के लोगों ने कर्नल बैसला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान बानसूर ACBO इंद्राज गिराटी पूर्व प्रधान मातादीन गुजर ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कर्नल बैसला के जीवन पर प्रकाश डाला और समाज के लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर परमानंद वैद्य, पूर्व पार्षद रामकरण धाबाई, डॉक्टर विक्रम गुजर, मंगतराम खटाना, लीलाराम गुजर, कानाराम गुजर, दुड़ाराम यादव, नेतराम गुजर, विक्रम गोलिया, बाबूलाल डोई, राजू गुजर, कमलेश चौहान सहित बड़ी संख्या में गुजर समाज के लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, कर्नल किरोड़ीमल बैसला साहब का कल देहांत हो गया था। उन्हीं को लेकर के वाल क्षेत्र के जो भी आसपास के जो ग्राम पंचायतों के जो गांव हैं उनमें पीर संजयनाथ जी के आश्रम में बाबा विवेकनाथ जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ। और बाबा साहब के जीवन से क्या क्या हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इन सब पे अभी हम विचार विमर्श किया है। और अभी इस संदर्भ में मादीन जी जो पूर्व प्रधान रहे हैं वे भी अपन उनके जीवन पर प्रकाश डाले हैं उन्होंने। और मैं तो ये कहूँ कि जो बाबा साहब ने जो संदेश दिया किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं दिया, वो सर्व जाति के सभी जातियों के लिए। मैं ये कहा कि एक हमें कर्ज मुक्त समाज चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा खर्चा करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये एक बात कही कि पढ़ी लिखी माँ होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो 3-4 जो उनके संदेश थे कि शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च, कर्ज मुक्त समाज, पढ़ी लिखी माँ, ये हर समाज पे सटीक बैठता है। अगर सारा समाज उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है ना, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भारत देश अग्रणी देशों में गिनती होगी। जय।